खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां रिसालदार मोहम्मद हफीज की चेयरमैन गुलाम रबानी कुरैशी फाउंडेशन आसर रबानी कुरैशी से मुलाकात। इस मौके पर तनवीर अख्तर अवान, अजीज महमूद कुरैशी, नईम साजिद भी मौजूद थे। रिसालदार मोहम्मद हफीज ने गुलाम रबानी कुरैशी फाउंडेशन के किडनी सेंटर और नई लैब का विजिट भी किया, जबकि आसर रबानी कुरैशी और इसके वालिद मरहूम गुलाम रबानी कुरैशी की दुखी इंसानियत की खिदमत को सराहा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आसिम सईद कुरैशी से। जी आसिम सईद कुरैशी जी, रिसालदार मोहम्मद हफीज सदर रहमानी तंजीम इस्लामाबाद की आसिफ रबानी कुरैशी चेयरमैन गुलाम रबानी कुरैशी फाउंडेशन से मुलाकात हुई, जिसमें बरादरी के कायदीन जनाब तनवीर अख्तर अवान, उज़ैर महमूद कुरैशी, नईम साजिद ने शिरकत की। आसिफ रबानी कुरैशी साहब ने कायदीन का इस्तकबाल किया और किडनी सेंटर और नई लैब का विजिट भी करवाया। रिसालदार मोहम्मद हफीज और इनके साथ कायदीन ने आसिफ रबानी कुरैशी और इनके वालिदे मोहतरम मरहूम गुलाम रबानी कुरैशी की दुखी इंसानियत की खिदमत को सराहा और आसिफ रबानी कुरैशी चेयरमैन कुरैशी फाउंडेशन को अपनी खिदमत सिफारशात पेश करते हुए गुजारिश की कि इस अजीम काम को मज़ीद ऐसे इलाकों में बढ़ाया जाए जहां पर इस इंतहाई महंगे इलाज की सहूलत मैसर नहीं है, ताकि गरीब लोग इस इलाज से मुस्तफीद हो सकें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़ख्रे कुरैशी बरादरी आसिफ रबानी कुरैशी की उम्र दराज करे और हम सबको इत्तेफाक और इत्तेहाद में रहकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आसिम सईद कुरैशी, ब्यूरो चीफ रहमानी न्यूज़, इस्लामाबाद। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।